फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। तो जब जो है नीट का एनटीए ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया बीएससी नर्सिंग के लिए, तो मैंने आप सभी को बोला था कि अभी बीएससी नर्सिंग के लिए नोटिफिकेशन ये लोग रिलीज़ कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि डीयू की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दहरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो चाहती हैं कि हम जो है नीट के थ्रू एडमिशन ले सो स्टूडेंट्स। फाइनली यही हुआ। मैंने आप सभी को बोला था कि अभी आप लोग देख लेना, एक दो दिन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है यूनिवर्सिटी जो है रिलीज़ कर देगी रिगार्डिंग एडमिशन, एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है यूनिवर्सिटी ने रिलीज कर दिया। हम बात कर ले लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएशन हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के बारे में। स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज है एंड काफी टाइम से यहाँ पर बीएससी नर्सिंग है। सो स्टूडेंट्स सभी के लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि इन्वाइटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएससी नर्सिंग के इन्होंने जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिए है। स्टूडेंट्स कैसे एडमिशन रहेगा, तो नीट यूजी के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन रहने वाला। स्टूडेंट्स आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है तो अभी जो है आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को नीट का जो है एग्ज़ाम देना होगा, अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा 10 अगस्त से पहले पहले। इन्होंने बोला है जो पब्लिक नोटिस हमने देखा था या फिर जो पब्लिक नोटिस रिलीज़ हुआ था 3 अगस्त को, उसको देखते हुए हमने ये चेंजेस किए हैं। बट स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि हम लोग नीट के थ्रू यहाँ पर ले लें या फिर नीट के मार्क्स के बेसिस पर ले लें। बट यहाँ पर जो 3 अगस्त को जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ, तो मैंने आप सभी को बोला भी था कि इस नोटिस के बाद सब कुछ यहाँ पर चेंज हो जाएगा, दिल्ली की यूनिवर्सिटीज जो है काफ़ी चेंज यहाँ पर लाने वाले। तो वही हुआ स्टूडेंट्स, LHMC ने जो है 2021 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दी है, नीट के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। अभी आपको नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा स्टूडेंट्स, एंड देन यहाँ पर जो है आपको LHMC के लिए रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। LHMC के लिए रजिस्ट्रेशन अभी नहीं होगा स्टूडेंट्स, जब होगा मैं आपको बता दूंगी, बट अभी नहीं होने वाला है। कितनी सीट हम बात कर लेते हैं LHMC में, तो टोटल 62 सीट्स हैं। LHMC में बात करें एडमिशन की क्या रिक्वायर है, कितनी यहाँ पर एज होनी चाहिए, तो 100 स्टूडेंट्स आपकी एज होनी चाहिए 17 साल आप लोग कंप्लीट होने चाहिए 31 दिसंबर से पहले 2021। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें कि कितने आप लोग पास होने चाहिए, जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहता है उसके 45% मार्क्स होने चाहिए विद जनरल कैटेगरी, और अगर आप लोग दूसरी किसी कैटेगरी SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो 40% मार्क्स की आपको ज़रूरत होगी। ये जो मार्क्स हमें चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एंड इंग्लिश में स्टूडेंट्स, ये इनकी एलिजिबिलिटी है। उसके साथ साथ आप लोग 12वीं पास होने चाहिए, आप लोग 12th पास होने चाहिए, चाहे आप लोग किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो स्टूडेंट्स, फ़र्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल भी आपकी यहाँ पर फीस नहीं है। फीस स्ट्रक्चर मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप लोग वो वीडियोस देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आप लोगों को पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप लोग किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप लोग 100% अप्लाई भी कर सकते हैं, एडमिशन भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। टोटल 62 सीट है, एंड यहाँ पर जो है आपके चांसेस, अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तैयारी करेंगे नीट की, तो आप लोगों के चांसेस है कि यहाँ पर जो है एडमिशन हो जाए। अगर आप लोगों को कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना होगा। तो रिजर्वेशन रहेगा SC ST OBC के वाले कैंडिडेट्स के लिए, जो कि इंडिया के अकॉर्डिंग जो इंडिया ने लाइक इंडियन गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया है, उतना ही रिजर्वेशन SC ST OBC को PWD को इन्होंने भी दिया है। इन्होंने बोला है कि लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको सबमिट करना, दैट इज 10 अगस्त। 10 अगस्त से पहले पहले आपको नीट का एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरना होगा। एडमिशन विल बी मेड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन नीट UG कोर्स विच विल बी हेल्ड ऑन द 12 सितंबर, जो यहाँ पर 12 सितंबर को एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसी के बेसिस पर हम लोग एडमिशन लेने वाले हैं, जो कि होने वाला है 2 PM से 5 PM तक, एंड वेन्यू यहाँ पर आप लोगों को हॉल टिकट में पता लग जाएगा। तो इन्होंने जो है लाइक वो जो अपना नोटिस है वो भी यहाँ पर जो है दे रखा है स्टूडेंट्स। इसी नोटिस के साथ साथ इन्होंने जो है नोटिस भी अटैच किया है, जो कि NTA ने रिलीज किया था 3 अगस्त को, जिस पर मैंने भी वीडियो बनाई थी, आई थिंक आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। तो इसमें यही बोल रखा था कि यहाँ पर DU की यूनिवर्सिटीज़ है, मतलब दिल्ली की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो रेगुलरली जो हमें कॉन्टैक्ट कर रही हैं, एंड यहाँ पर जो है इस नोटिस को रिलीज़ करने का बस यही मकसद था कि जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें यहाँ पर नीट के थ्रू एडमिशन दिलाया जाए, या फिर उनको यहाँ पर
फिर से एक बार अवेयर किया जाए। इस नोटिस में खास बात क्या थी स्टूडेंट्स, इस नोटिस में लिखा गया था कि यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोग किस अपनी जो एलिजिबिलिटी है, अपनी जो लाइक जैसे आप लोग जिस एलिजिबिलिटी के साथ एडमिशन लेते हैं उस एलिजिबिलिटी के साथ एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ एडमिशन जो एंट्रेंस हो रहेगा वो नीट रहेगा, बाकी की प्रोसेस LHMC खुद ही करने वाला है, खुद ही यहाँ पर जो है ये लोग एडमिशन लेंगे, काउंसलिंग खुद करवा। अगर आप लोगों का एडमिशन हो जाता है तो आपको फीस उतनी ही पे करनी पड़ेगी जितने कि जो स्टूडेंट्स LHMC में BSc ऑनर्स में जिनका एडमिशन होता है हर साल, जितने वो लोग फीस पे करते हैं उतनी ही फीस आपको पे करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा चार्जेस आपको बिल्कुल भी नहीं देने पड़ेंगे। तो ये कंप्लीट हमने बात कर लिया। आई थिंक आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे लगातार अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।